अरे रिया, तुम अब तक स्नान नहीं की हो। जल्दी जाओ, स्नान कर लो। तुम्हें घर जाना है ना, फिर बस के लिए लेट हो जाओगी तुम। अरे हाँ हाँ दीदी, मैं जा रही हूँ। मैं स्नान करके आ जाती हूँ जल्दी से। हाँ हाँ तुम जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। स्नान होके तैयार हो जाओ। रोहित बोले थे तुम्हें लेकर छोड़ आएंगे बस में, लेट हो जाएगी बस के लिए। जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है दीदी, मैं स्नान करके जल्दी आती हूँ। और इधर रिया स्नान करने के लिए चली जाती है। अरे मम्मी मम्मी, बुआ चली जाएंगी। मम्मी बुआ चली जाएंगी आज। हाँ रिंकी बेटा, आज बुआ चली जाएंगी अपने घर। मैं बुआ को बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी। अरे रिंकी बेटा, तुम मुन्नी को लो, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी बुआ के लिए कुछ खाना बना देती हूँ, कुछ खा लेके चली जाएगी, भूखी जाएगी थोड़ी। मैं कुछ बना देती हूँ उसके लिए। अरे हाँ हाँ मम्मी, आप मुन्नी को देकर बुआ के लिए कुछ खाना बना दीजिए। एलो रिंकी, आराम से मुन्नी को लेकर बैठना। अरे हाँ मम्मी, ठीक है, मैं जाकर रिया के लिए कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। और इधर गीता अपनी बहन रिया के लिए खाना बना रही है। और इधर रोहित भी आ जाता है। अरे गीता, तुम्हारी बहन तैयार हुई कि नहीं बस के लिए? लेट हो जाएंगे, 9 बजे बस है, उसे बोलना 9 बजे से पहले तैयार हो जाएगी, कहीं बस मिस ना हो जाए। अरे हाँ हाँ रोहित, मैं उसे बोल दूंगी, 9 बजे से पहले तैयार हो जाएगी। वो स्नान करने गई है, आप फिक्र मत कीजिए, 9 बजे से पहले तैयार हो जाएगी। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, उसे बोलना 9 बजे से पहले तैयार हो जाए। मुझे कुछ काम है, मैं काम खत्म करके आ जाता हूँ 9 बजे से पहले। ये बोलते ही रोहित वहां से चला जाता है। और इधर रिया स्नान कर कर आ जाती है। अरे दीदी, मैं स्नान करके आ गई। अरे रिया, तुम स्नान कर ली ना, चलो आओ बैठो, तैयार हो जाओ, अच्छे से मैं मेकअप कर देती हूँ। अरे हाँ हाँ दीदी, आपके तो मेकअप प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा हैं, मैं देखी थी आपके मेकअप प्रोडक्ट। ठीक है, आप मुझे मेकअप करा दीजिए, आप भी बहुत ही अच्छे से मेकअप होती हैं हमेशा, मुझे भी मेकअप कर दीजिए दीदी। अरे हाँ हाँ रिया, मैं तुम्हें मेकअप करा देती हूँ, बहुत ही अच्छे से मेकअप कराऊंगी, जैसे पार्लर में मेकअप होते हैं वैसे ही कराऊंगी रिया तुम्हें। और तुम 9 बजे से पहले ही तैयार हो जाना खाना खाकर। रोहित आए थे, बोल रहे थे 9 बजे है तुम्हारा बस। अरे हाँ हाँ दीदी, मैं 9 बजे से पहले तैयार हो जाऊंगी, मैं तो कपड़े भी पैक कर दी हूँ, बस आप मेकअप कर दीजिए, खाना खाकर मुझे निकलना है। ठीक है, मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट ले आती हूँ, रूम के अंदर रखी हूँ। और इधर गीता अपने मेकअप प्रोडक्ट लाने चली जाती है। इधर गीता अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट ले आती है। अरे रिया, मेरे तरफ तुम घूम जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से मेकअप करा देती हूँ। अरे हाँ हाँ दीदी, अरे दीदी आपके पास कितने सारे मेकअप प्रोडक्ट हैं, आप मेरे को अच्छे से मेकअप करना दीदी। हाँ हाँ अरे हाँ हाँ रिया, अच्छे से मेकअप कराऊंगी तुम्हें। अरे मम्मी मम्मी, मुझे भी मेकअप होना है। मम्मी मुझे भी मेकअप कराइए ना। अरे हाँ हाँ रिंकी बेटा, पहले बुआ हो जाए फिर तुम्हें मैं करा दूंगी मेकअप। अरे रिया, तुम तो सर साफ करके नहाई हो, पहले मैं सीरम लगा देती हूँ तुम्हारी हेयर में। ठीक है दीदी, मैं टॉवल खोलती हूँ, आप मेरे हेयर में सीरम लगा दीजिए। सीरम लगाने से हेयर तो बहुत ही ज्यादा चमकता है ना दीदी। अरे हाँ हाँ रिया, तुम मेरा हेयर देखती होगी ना कितना चमकता है, तुम तो अपने हेयर में सीरम भी नहीं लगाती, कितना रफ हो गया है तुम्हारा हेयर। मैं आज तुम्हारे हेयर में सीरम लगा के बहुत ही ज्यादा चमका दूंगी तुम्हारे हेयर को। ठीक है दीदी। और इधर गीता अपनी बहन रिया का सर पे सीरम लगाती है। अरे दीदी, सीरम लगाकर मेरे हेयर को अच्छे से सर पे मसाज कर देना दीदी। अरे हाँ हाँ तुम दिखाओ, मैं तुम्हारे अच्छे से मसाज कर दूंगी सर को। चलो, मैं तो हेयर में सीरम लगा दी हूँ, अब मैं इसे अच्छे से कॉम कर देती हूँ। और इधर गीता अपनी बहन रिया का सर में कॉम करने लगती है। अरे दीदी, आस्ते आस्ते बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे तुम तो हेयर अपना कितना उलझा कर रखी हो, आराम से करती हूँ बाबा। अरे वाह रिया, तुम आज कितनी सुंदर दिख रही हो, देखो ना तुम्हारा हेयर भी कितना अच्छे से बन गया और तुम्हारा मेकअप भी कितना अच्छे से हो गया।
अरे हाँ दीदी, आज बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। आप मिरर दे दीजिए ना, मैं देखती हूँ कैसी लग रही हूँ मैं। अरे हाँ हाँ, तुम मिरर में देखोगी, बस सब हो गया, बस लिपस्टिक लगा लो, उसके बाद मिरर में देखना। ठीक है दीदी, मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बस अच्छे से पाउडर साफ कर देती हूँ, हाइलाइटर, फाउंडेशन, पाउडर, काजल सब मैंने लगा दिया है। कितनी सुंदर लग रही हो तुम आज। रुको रुको, तुम लिपस्टिक लगाना, बस तुम्हारा आईब्रो मैं अच्छे से कर देती हूँ, आईब्रो नहीं की हूँ। रिया बताओ कौन सा लिपस्टिक लगाओगी? अरे दीदी, मेरे ड्रेस के हिसाब से मैं लगाऊंगी, पिंक कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी, मैच हो जाएगी मेरे ड्रेस पे। ठीक है, मैं भी पिंक कलर की लिपस्टिक लगा देती हूँ तुम्हारे ओठों में। चलो लिपस्टिक भी तो लग गए, अब मैं देखती हूँ मिरर में कैसी लग रही हूँ मैं। अरे वाह, सच में दीदी आपने तो बहुत ही प्यारा मेकअप किया है, मैं तो कभी इतनी सुंदर नहीं दिखी कभी भी। अरे दीदी, मैं इतनी ज्यादा सुंदर कभी दिखी नहीं हूँ आज, सच में आप तो आज बहुत ही अच्छा मेकअप किया है मेरे को। थैंक यू दीदी, मोस्ट वेलकम। कोई बात नहीं रिया, चलो अब तुम खाना खा लो, रोहित आते होंगे, 9 बजने वाली है, तुम्हें घर के लिए निकलना है। अरे हाँ हाँ दीदी, बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे लिए खाना ले आइए। ठीक है, मैं सारे मेकअप के प्रोडक्ट रूम में रख आती हूँ, फिर तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। अरे बुआ, आप कितनी सुंदर लग रही हैं बुआ, आपको किसी की नजर नहीं लगे। नहीं, आपने मेरे को मेकअप नहीं किया, आप बोली थी मेरे को भी मेकअप कर लेंगी मम्मी। अरे हाँ हाँ रिंकी बेटा, कर दूंगी, बुआ चली जाए फिर तुम्हें मेकअप कर दूंगी। अरे बाप रे, ये तो मेरे मेकअप के पीछे ही पड़ गई। अरे ठीक है दीदी, मैं तो खाना खा ली हूँ, अब प्लेट ले जाइए। और इधर रोहित आ जाता है। अरे रिया, तुम तैयार हो गई कि नहीं? जल्दी चलो, 9 बजने वाले हैं, बस की टाइम हो रही है। अरे हाँ हाँ जीजा जी, मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस बैग ले आती हूँ फिर हम चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी ले आओ, मैं स्कूटी ले आता हूँ फिर हम चलते हैं। और इधर राधा भी आ जाती है। अरे रिया, तुम चली जाओगी? अरे हाँ राधा दीदी, चली जाऊंगी। अरे मैं बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी तुम्हें। अरे राधा दीदी, मैं तो सबको मिस करूंगी, रिंकी को, चिंकी को, आप दोनों को, सबको मिस करूंगी। अरे आराम से जाना रिया, फिर आना हमारे घर। अरे हाँ हाँ दीदी, फिर आऊंगी, अब मेरा बैग ले आइए, जीजा जी स्कूटी लाने गए हैं, कहीं लेट ना हो जाए मेरे बस के लिए। अरे हाँ हाँ आराम से जाओ रिया। इधर गीता रिया की बैग ले आती है। अरे रिया, मैं बैग ले आई हूँ। अरे दीदी, आप भी चलिए ना हम घर, अब बहुत दिन हो गए घर नहीं गई। अरे हाँ हाँ रिया, जाऊंगी, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब जाऊंगी, ठीक है। और इधर रोहित स्कूटी लेकर आ जाता है। अरे रिया आ जाओ, बैठो स्कूटी पे, बस का टाइम हो रहा है। अरे दीदी, बस का टाइम हो रहा है, मैं आती हूँ। और इधर रिया अपनी बहन गीता के गले लग रही है। अरे फिर आना रिया। अरे राधा दीदी, आ रही हूँ, फिर आऊंगी। अरे हाँ हाँ रिया, फिर आना तुम। अरे रिंकी चिंकी जा रही है बुआ। अरे बुआ फिर आना। अरे हाँ हाँ फिर आऊंगी, ठीक है मैं चलती हूँ, मेरा बैग ले लेती हूँ। ठीक है जीजा जी, चलिए मैं स्कूटी पे बैठ चुकी हूँ। ठीक है चलो, बाय बाय बच्चों, फिर आऊंगी मैं। और इधर रोहित रिया को ले जाता है। ये थी आज की कहानी दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।